अब हमें सिर्फ लास्ट टाइप ऑफ पर्सन्स के बारे में पढ़ना है, विच इज कंपनी। तो कंपनीज की अगर बात करें तो ये उनका पूरा स्ट्रक्चर है। ओके, कंपनीज के केस में ये स्ट्रक्चर है कि डोमेस्टिक कंपनी का रेट क्या है, फॉरेन कंपनी का रेट क्या है, एंड सो ऑन। बस अब यहां पर इतना सा ये चेंज करना है कि प्रीवियस ईयर 2021, देखिए हम लोग कौन से ईयर के रेट्स की बात कर रहे हैं, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब डोमेस्टिक कंपनी मतलब अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, इट इज अ डोमेस्टिक कंपनी, और अ कंपनी विच हैज मेड द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया इज कॉल्ड एज अ डोमेस्टिक कंपनी। ये उसकी डेफिनेशन एक्ट में दी है, आपको मिल जाएगी बुक में। एंड अ फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। तो अब डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर क्या रेट्स लगते हैं, अब इट डिपेंड्स ऑन द टर्नओवर। किस साल का टर्नओवर, 2-3 साल पहले का टर्नओवर। जैसे अभी हम लोग 2022-23 की बात कर रहे हैं तो उसके 2 साल पहले 2020-21 में अगर उसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम था या ज्यादा नहीं था, बोल सकते लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़, तो फिर उस पर टैक्स का रेट लगता है 25%। और अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा था, आज कितना है वो मैटर नहीं करता है, बेटा बातें मत करो ना, आज कितना है मैटर नहीं करता है, तो उस पर टैक्स रेट कितना लगता है, 30%। तो अब ये ऐसा क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, देखिए 2014 में ये नई गवर्नमेंट आई थी, मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार, उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाएंगे इंडिया में, हम लोग कंप्लायंसेस को इजी करवा देंगे। तो अब कंपनीज के रूप में बहुत सारा मेजर बिजनेस इंडिया में होता है, और कंपनीज को जो टैक्स लगते हैं उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कंट्रीब्यूट द मेजोरिटी ऑफ द शेयर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो कम रहता है, एंड कॉर्पोरेट टैक्स बहुत बड़ा अमाउंट का रहता है। सो उन्होंने कहा था कि हम लोग रेट्स को रैशनलाइज करेंगे, मतलब कम करेंगे, हम लोग रेट्स को ठीक ठाक करेंगे। पहले तो कंपनीज में भी फर्म्स के जैसा ही फ्लैट 30% का रेट हुआ करता था, कंपनीज में भी फर्म्स के जैसे कितना फ्लैट 30%। लेकिन फिर उन्होंने किया कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा बोल दिया था अभी कि हम छोटी कंपनीज के बेनिफिट लिए काम करेंगे। लेकिन अब जो कंपनी 2014-15 में जिसका टर्नओवर कम था उसको बेनिफिट उन्होंने पहली बार दिया ऑफिशियली 2016-17 से। उन्होंने क्या कहा 2016-17 में कि हम लोग अभी रेट्स कम कर रहे हैं, ओके, क्योंकि देखो वैसे भी अब वो इलेक्ट होके आ गई गवर्नमेंट, तो तभी के तभी उनको कुछ पॉपुलिस्ट मेजर लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर और इलेक्शन आते हैं, स्टेट इलेक्शन आते हैं, और फिर जैसे नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन नजदीक आता है फिर और रेट्स वगैरह कम करने की जरूरत पड़ती है, कुछ कंसेशंस, एग्जेम्पशंस। वैसे आजकल थोड़ा कम हो गया है, अभी एक गवर्नमेंट दिल्ली वाले जो फ्रीबीज बांटती है, लेकिन मोस्टली तो फ्रीबीज वगैरह बांटने का या टैक्स कंसेशंस देने का या लोन माफ कर देने का चक्कर थोड़ा कम हो गया अभी, कंपेयर टू व्हाट यूज्ड टू हैपन 10-15 years ago। ओके, किसानों को पता रहता था कि उनको लोन चुकाना है नहीं, क्योंकि चुका देंगे तो फंस जाएंगे, नहीं चुकाएंगे तो आगे जाके माफ होने वाली है। सो अभी वापस आ जाते यहां पर, तो उन्होंने 2016-17 से, मतलब फाइनेंस एक्ट 2016 में उन लोग ने ये चेंज लाया कि 25% रेट विल बी एप्लीकेबल फॉर कॉर्पोरेट टैक्सेस फॉर डोमेस्टिक कंपनीज विच हैव दैट टर्नओवर ऑफ 14-15 लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़। जो उस समय छोटी कंपनी थी, मतलब कंपेयर टू देयर स्टैंडर्ड 400 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन 400 करोड़ से कम या 400 करोड़ तक का टर्नओवर जिसका 2014-15 में था उसको हम लोग इस साल सिर्फ 25% रेट से टैक्स लगाएंगे, और जिसका पहले ज्यादा था उसको जैसा लगते आ रहा है 30% वही लगेगा। अच्छी बात है। फिर अगले साल 2017-18 में उन्होंने ये जो ईयर फॉर कंपेरिजन था उसको चेंज करके 2015-16 कर दिया। अब ऐसे हर साल बढ़ते आया, और पहले ही शायद 400 नहीं था, पहले ये 100 करोड़ ही था, जब भी ओरिजिनली प्रोविजन आया था तभी 100 करोड़ था, फिर 2-3 साल बाद उसको 100 का चेंज करके 400 किया। अभी क्या पोजीशन है कि अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 मतलब हमारा जो ईयर है इसमें अगर टैक्स, इसमें इनकम कमा रही है कंपनी, तो उसको 30% लगेगा कि 25% लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन टर्नओवर ऑफ दैट कंपनी इन द प्रीवियस ईयर 2021। उस साल टर्नओवर कम था
400 करोड़ से ज्यादा नहीं था तो इस साल उसको कितना टैक्स लगेगा, 25% फ्लैट रेट, और अगर उस साल ज्यादा था तो इस साल कितना लगेगा, 30%। नो मैटर इस साल कितना है, ओके तो 2021 में तो वैसे भी पैंडेमिक था, है ना, तो कई कंपनीज का टर्नओवर बहुत हाई नहीं गया होगा, तो कई कंपनीज को इस साल उसका बेनिफिट मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब आपके मन में आ सकता है, सर कोई न्यू कंपनी इस साल फॉर्म हो रही है तो उसको कौन सा रेट लगेगा, तो उसको लगेगा 25%। क्यों? क्योंकि 2021 में उसका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा था क्या? नहीं था, 400 करोड़ से कम था, 0 इज लेस देन 400 करोड़, देयरफॉर उसको रेट लगेगा सिर्फ 25%। फिर दो साल बाद देखेंगे, मान लो बहुत बड़ी न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, बहुत बड़े लेवल पे टर्नओवर कर रही है, फिर भी दो साल तक 25% ही लगेगा। फिर 2024-25 में चेक करेंगे टर्नओवर 22-23 का, दो साल पहले का, और वो अगर उस समय भी सेम अगर प्रोविजन रहा तो, अगर उस समय में 400 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है 22-23 का, तो 24-25 में उसका रेट कितना हो जाएगा, 30%। समझा क्या मैंने क्या बोला? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कंपनी का जो टर्नओवर है दो साल पहले का कितना था, वो डिसाइड करता है कि रेट क्या लगेगा। अब ये तो हो गया रेट इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी हमारी मेहमान होती है, अतिथि देवो भव, हम उनको 40% से टैक्स करते हैं, ओके? हम लोग नॉन रेसिडेंट को भी कुछ बेनिफिट्स नहीं देते, और वैसे ही फॉरेन कंपनी को जो फ्लैट रेट लगाते हैं हम लोग टैक्स का, 40% है। और तो और आपके मैंने सिलेबस में मैंने नोट्स में दिया नहीं है, लेकिन अगर आप एकदम मॉड्यूल में फाइन प्रिंट्स में जाके देखोगे या फाइनेंस एक्ट में देखोगे, तो फॉरेन कंपनी की कुछ स्पेसिफिक रॉयल्टी इनकम होती है जिसमें 50% रेट लगता है, 50% ऑफ रेट ऑफ टैक्स, बट दैट इज वेरी स्पेसिफिक, तो वो कभी पूछेंगे नहीं आपके लेवल पे एग्जाम में, इसलिए मैंने वो दिया नहीं, अननेसेसरी कंफ्यूजन और क्रिएट होगा। तो फ्लैट रेट फॉर फॉरेन कंपनी 40%। अब डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट कंपेयर टू फर्म्स भी कम है, आप देख सकते हो 25% ही है, तो दिस इज एन एनकरेजमेंट फॉर पीपल टू क्रिएट कंपनीज एंड डू द बिजनेस थ्रू कंपनीज, अच्छी बात है। और उसके अलावा 2019 में जो निर्मला सीतारमन जी थी तब, उन्होंने एक न्यू स्कीम लाई जो हम लोग अभी पढ़ रहे ना, 115 BSC, ये तो बाद में आया इंडिविजुअल्स के लिए, 2020 के बजट में आया था, उसके पहले 2019 में वन फाइन डे, ओके, ऐसा कोई बजट वाला दिन नहीं था, 19 सितंबर 2019, इफ माय डेट इज रॉन्ग नॉट रॉन्ग, 19 या 20 सितंबर 2019 मुझे याद है, उन्होंने कंपनी के लिए एक अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम ला लिया, मतलब जिसमें बोल दिया उसमें दूसरा सेक्शन लग गया 115 BAA, ओके 115 BAA ये सेक्शन लाया मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, कि जो कंपनी 31 मार्च 2023 तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है उनको सिर्फ 15% का रेट लगेगा, उनके टैक्स रेट कितना रखा, सिर्फ 15% प्लस सरचार्ज लगाया, कंपलसरी सरचार्ज लगेगा बोले, तो इफेक्टिव रेट तो ज्यादा ही हो गया, बोलने को कितना हो गया 15%, मान लो 12% का सरचार्ज, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन मान लो 12% का सरचार्ज मैंडेटरी है, तो 15 × 0.1.12 18 हो गया, 15% पे 12% ऐड करो तो 18 हो गया, प्लस सेस तो लगता ही, तो एक्चुअल में 15% बोला लेकिन 18 तक के रेट लगने लग गया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए अगेन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, जो हमें पढ़ना ही नहीं है ऑल टुगेदर, वो जो सेक्शन 115 BAA है, वैसे एक सेक्शन 115 115 BAC तो इंडिविजुअल्स का है, 115 BAB दूसरे टाइप के डोमेस्टिक कंपनीज के लिए आया, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है उनके लिए भी आया कंसेशनल रेट अगेन। सो हम लोगों को वो पढ़ना ही नहीं है, हम लोगों को सिर्फ ये वाला जो ओल्ड स्कीम के हिसाब से रेट से ये देखना है। अब इसमें सरचार्ज कितना है, देखो उसका सिंपल सा टेबल यहां पर दे दिया है, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज, 1 करोड़ to 10 करोड़, अब इनके नए कट ऑफ पॉइंट्स आ गए 7%, और 10 करोड़ के ऊपर अगर इनकम है तो 12%, जैसा है वैसा है, ओके 10 करोड़ के ऊपर कितना सरचार्ज है 12%, फर्म के केस में 1 करोड़ के ऊपर ही 12% हो गया था, कंपनी के केस में धीरे धीरे 12% तक पहुंचे हैं, तो ये भी फर्म से बेटर है कंपनी के लिए, दिस इज ऑल्सो बेटर। अब उधर देखो फॉरेन कंपनी अतिथि रेट तो ज्यादा लगाया लेकिन सरचार्ज का रेट उनको कम लगा दिया, देख सकते हैं आप, क्योंकि कुछ तो उनको लगना चाहिए, तो 1 करोड़ से 10 करोड़ हमारे कंपनीज को 7% लग रहा है सरचार्ज, उनकी कंपनीज को कितना लग रहा है 2%, और मोर देन 10 करोड़ पे 5%। अब होगा क्या, कोई फॉरेन कंपनी है जो बहुत बड़ा काम कर रही परमानेंटली इंडिया में, उनको कुछ काम करना ही है,
सेल्स वगैरह करना ही है, तो दे विल बेटर क्रिएट देयर सब्सिडियरी कंपनी इन इंडिया, ताकि उनको ये हायर रेट ना लगे. सो दिस इज एन एंकरेजमेंट रैदर टू फॉरेन कंपनीज टू कम एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी इन इंडिया, सो दैट उनकी इंडियन कंपनी की पूरी इनकम इंडिया में विदाउट एनी डाउट टैक्स हो जाए. एंड इंडिया में कंपनी बना लिया तो आप इंडिया के कंपनीज एक्ट में कवर्ड हो, फिर आपको उसकी रिटर्न्स फाइल करना होगा जो टाइम टू टाइम रहता है, तो कंप्लायंसेस बेटर रहेंगे, मतलब टैक्स इवेजन के या टैक्स एस्केप करने के चांसेस जो है, एंड अदर जो अगर अदर जो क्या कह सकते हैं इलीगल एक्टिविटीज हो सकती है, उसके चांसेस कम हो जाएंगे. समझ में आ रहे? तो फॉरेन कंपनी इसलिए वैसे तो रेट ज्यादा है, बट सरचार्ज का रेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कम है, अप टू 1 करोड़ नो रेट, 1 करोड़ से 10 करोड़ 2%, 10 करोड़ के ऊपर 5%, हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज इनके लिए कितना है 5%. तो अभी नए रेट आ गए सरचार्ज के 2, 5 और 7, जो अभी तक क्या आपने नहीं देखा था, अभी तक क्या क्या देखा था, 10, 15, 25, 37 और 12%, और अभी ये 3 और आ गए हैं, मतलब टोटल 8 अलग अलग रेट है सरचार्ज के. डजेंट इट मेक आर सिस्टम सो कॉम्प्लिकेटेड? ये तो जस्ट एक आपको ग्लिम्स है, अभी तो एक्चुअल इनकम के प्रोविजंस पे तो हम गए नहीं है, सिर्फ टैक्स के रेट कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन को हमको 3 दिन लग रहे हैं, मतलब हाउ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आर यू शुड अंडरस्टैंड. ओके सो बट दैट इज हाउ इट इज, इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा, इसके लिए यहां तक इतना, और इसमें भी बहुत जैसे मैंने एक्सेप्शन है वो आपको बताया नहीं है, फिर जो ऑल्टरनेटिव स्कीम है वो भी आपको बताया नहीं है, सो बहुत कुछ है, मतलब ये अपने आप में इतना सा पार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है. फिर इनकम तो डिस्प्यूटेबल रहती है, ये तो चलो मैथमेटिक्स बेस्ड है, इसमें उन्होंने इतनी सारी ये लगा दिया कंडीशंस, जो डिस्प्यूटेबल चीज है, सब्जेक्टिव चीज रहती है, उसमें तो फिर लीगैलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है ना, कोर्ट में जाएगा मामला बार बार, एंड इसी कारण से इतने सारे हमारे इनकम टैक्स की कोर्ट केसेस पेंडिंग है बहुत सारे, एंड सालों साल तक चलते हैं, बहुत साल बाद उसका रिजल्ट आता है, तो जजमेंट आता है, तो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अप्लाई. वो इसके सरचार्ज के थ्रेशोल्ड पॉइंट से एक 1 करोड़ और एक 10 करोड़, उसको ध्यान रखना है. सो अभी हमारे ये 10 क्वेश्चन बचे हैं, डोमेस्टिक कंपनी के 5 क्वेश्चन और फॉरेन कंपनी के 5 क्वेश्चन, लेट अस डू देम वन बाय वन. पहला है 80 लाख, उसके बाद में 6 करोड़. 80 लाख वाला सबसे आसान, और अब आप लगाओगे कौन सा रेट, 25% या 30%, 25, क्यों? क्योंकि स्टार लगा के नीचे लिखा है कि अज्यूम दैट इन दोज 5 आइटम्स द टर्नओवर ऑफ द कंपनी ऑफ 2021 इज नॉट मोर देन 400 करोड़. अगर ऐसा अजम्पशन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 25% रेट इस पे अप्लाई हो जाएगा. सो लेट अस डू दिस कैलकुलेशन, करें साथ में. ओके ये 2 का साथ में करते हैं, फिर इसका 1 करोड़ के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, इसका हो जाएगा. ठीक है चलो, डोमेस्टिक कंपनी टोटल इनकम इज इक्वल टू 80 लाख. टैक्स कैलकुलेशन इज वेरी वेरी सिंपल. बेटा आप बहुत बातें कर रहे हो भावेश, आप बहुत बातें कर रहे हो, आपका आगे चल रहा होगा लेकिन क्लास को डिस्टर्ब होता है उससे. टैक्स कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 25% कितना हो जाएगा, 20 लाख बराबर है. उसमें सरचार्ज अभी लगेगा क्या, नहीं, तो कितना परसेंटेज सेस लगेगा सीधा, 4% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बता दो कितना हो गया, 80,000 टोटल अमाउंट, 20 लाख, 80,000, दैट्स इट, दैट्स द आंसर. कैलकुलेशन बहुत इजी है, सरचार्ज नहीं है तो फिर तो और भी इजी है, लेकिन वही है कि किसके लिए कौन सा रेट है वो सब ध्यान रखना पड़ेगा इन द फर्स्ट प्लेस. 20 लाख, 80,000, ये इसका आंसर है डोमेस्टिक कंपनी का. देन नेक्स्ट केस क्या दिया है आपको, 6 करोड़. डोमेस्टिक कंपनी का टोटल इनकम 6 करोड़ रुपीज, ये 6 रुपीज क्रेडिट नहीं है, तो कितना हो जाएगा, टैक्स एट द रेट ऑफ अगेन 25%, 1 करोड़ 50 लाख है ना, उसमें सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 7%,
क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इनकम है, विच इज इक्वल टू 10,50,000। बिल्कुल सही, सरचार्ज लग गया 10,50,000। अब इसमें क्या होगा, 4% सेस, टोटल हो गया 1,60,50,000। अब मार्जिनल रिलीफ यहां पर भी लग सकता है, लेकिन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या था, 1 करोड़। यहां से यहां तक इनकम 5 करोड़ से बढ़ी है, और उतना तो टोटल टैक्स भी नहीं है, तो डेफिनेटली इंक्रीज इन टैक्स इज नॉट मोर देन इंक्रीज इन इनकम। समझ रहे क्या, इसलिए ये वाले लेवल पे आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं लग रहा है। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्या, 4% सेस सीधा, 6,42,000। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया बताइए, 1,66,92,000। इसका इफेक्टिव रेट आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, जो डिवाइड करके आता है ना इफेक्टिव टैक्स रेट, डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे करोगे, 25 × 1.07 × 1.04, 27.82। आप चेक भी कर लो, सेम आएगा, जो आपका टैक्स है अमाउंट, टैक्स अमाउंट अपॉन इनकम, ये जो इनकम है 6 करोड़ से, इसको डिवाइड करके देख लो तो बराबर 27.82% ही आएगा। आ रहे कि नहीं आ रहे, देन 1 करोड़, अच्छा 6 करोड़ वाले का लिख लो 1,66,92, तो ये आंसर्स अपने अपडेट हो रहे हैं। 1 करोड़ 2 लाख वाले का रुक के करते अगले पेज पे, 21 करोड़ वाले का अभी कर लो, टोटल इनकम इज इक्वल टू 21 करोड़। तो क्या होगा, इसमें टैक्स हो जाएगा एट द रेट ऑफ 25%। बोले तो 21 करोड़ का कर रहा हूं मैं, बोलो 5,25,00,000 आ रहे, प्लस सरचार्ज का रेट क्या रहेगा 12%, डोमेस्टिक कंपनी है, कितना होता है 5,25,00,000 का 12%, 63 लैक्स। इसका टोटल हो गया 5,88,00,000। ये वाला मैंने इसलिए चूज किया अभी करने का, क्योंकि इसमें हमको मार्जिनल रिलीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसका प्रीवियस थ्रेशोल्ड पॉइंट 20 करोड़ था या 10 करोड़ था, 10 करोड़ था, 10 करोड़ से 21 करोड़, इनकम तो 11 करोड़ से बढ़ चुकी है और टैक्स तो उतना है ही नहीं, तो देर इज नो नीड फॉर मार्जिनल रिलीफ, प्लस 4% सेस, 23,52,000 ऐड करके बता दीजिए। इलेवन लैख 6 करोड़, 11,52,000। अगेन इसका इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे आप, 25 × 1.12 × 1.04, तो दिस इज एक्चुअली अ बिग बूस्ट टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, जो 30% से रेट को कम करके उस समय 25 किया गया था, ये बहुत बड़ा मूव था, बिकॉज इससे गवर्नमेंट को हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होता है। ओके, क्योंकि आपने रेट कम कर दिया तो उतना रेवेन्यू नहीं मिलेगा ना, बट देन उनका ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग बेस को वाइडन करेंगे, उतने कम लोगों पे ज्यादा रेट लगाने से अच्छा हम लोग ज्यादा लोगों पे कम रेट लगाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंप्लायंट हो जाए, कंप्लायंसेस करें। आया ये तीनों आगे समझ में। अब हमको करना है 1 करोड़ 2 लाख वाला केस, ये लिख लिया सबने, लिख लो, हो गया सबका। अब 1 करोड़ 2 लाख वाला करना है, 6,11,52, कर पाओगे बेटा 1 करोड़ 2 लाख, किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, 1 करोड़ के साथ में, तो कर लो कैलकुलेशन, एक तरफ में टोटल इनकम इज इक्वल टू 1 करोड़ लिख लेते, एक तरफ में टोटल इनकम 1,02,00,000। फॉर विच टाइप ऑफ पर्सन, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं अभी वो किसके लिए कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंपनी के लिए कर रहे हैं,
कैलकुलेशंस। तो 1 करोड़ 2 लाख पे टैक्स हो जाएगा 25 लाख 50 थाउजेंड, जबकि इधर टैक्स है 25 लाख। इसमें सरचार्ज इधर तो है नहीं, 1 करोड़ तक के कोई सरचार्ज नहीं होता है, 1 करोड़ तक के कोई सरचार्ज नहीं होता है, 1 करोड़ के ऊपर 7% डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7 और 12 ही रेट याद रखना पड़ेगा। तो कितना होता है बताइए, 1,78,500। तो ये टोटल हो गया 27,28,500, और यहां पर तो टोटल उतना ही है 25 लाख। नाउ क्लियरली यू कैन सी ऑब्जर्व दैट द इंक्रीज इन इनकम इज ओनली ₹2 लाख, वेयर इज इंक्रीज इन टैक्स पर सरचार्ज इज 2,28,500। सो देयर इज अ केस फॉर रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ। कितना? 28,500 का मार्जिनल रिलीफ बनता है, तो उतना दे देंगे। तो ये सब करवाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको फैमिलियरिटी आ जाए, मार्जिनल रिलीफ हर केस में लग सकता है। बोलो कितना हो जाएगा, 27 लाख प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 1,08,000। टोटल हो गया 28,08,000। आया क्या समझ में कैलकुलेशन? ऑनलाइन में जो स्टूडेंट गेस्ट आईडी से आए हैं, उन लोगों ने सचिन सर से बात करके लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लेना चाहिए। वंशिका, किताम, कल्याणी, आप दोनों ने, बाकी लोग तो लॉगिन आईडी पासवर्ड से दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि आगे फिर वो उसमें एक्सेस बंद हो जाएगा तो आप लोग गेस्ट आईडी से आ नहीं पाओगे। चलिए ये समझ गया आपको। अब नेक्स्ट कौन सा है, डोमेस्टिक कंपनी का केस। 1 करोड़ 2 लाख हो गया, अब 10 करोड़ 4 लाख वही देखना होगा कि उसमें भी मार्जिनल रिलीफ की जरूरत है कि नहीं है। 28,08,000 यहां लिख लेता हूं मैं। 10 करोड़ 4 लाख अगेन फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे 10 करोड़ से, आप देख सकते हो ये भी थ्रेशोल्ड पॉइंट के काफी करीब है, तो इसको कंपेयर करेंगे हम लोग 10 करोड़ लेवल से। अगर टोटल इनकम 10 करोड़ है तो टैक्स कितना हो जाता है बेटा, एट द रेट ऑफ 25%, 2 करोड़ 50 लाख। इसमें सरचार्ज लगता है क्या, ये वाले इसमें सरचार्ज लगेगा 10 करोड़ तक के? हाँ लगेगा ना। कितना लगेगा, 7% सरचार्ज लगेगा इसमें, 7% विच इज इक्वल टू 17,50,000। देखो 1 करोड़ से 10 करोड़ में सरचार्ज है, इट्स एट द रेट ऑफ 7%, 10 करोड़ के ऊपर सरचार्ज हो जाएगा एट द रेट ऑफ 12%। तो ये कितना हो गया टोटल, 2,67,50,000 है ना। अब दूसरी तरफ आप टोटल इनकम 10 करोड़ 4 लाख वाला केस कर रहे हो, तो उसमें आपका टैक्स कितना आ रहा है, 2,51,00,000 है ना, क्लियरली उसमें 1 लाख बढ़ जाएगा। अब इसमें जो सरचार्ज लगेगा वो कितने रेट से लगेगा, 12% से। 2,51,00,000 का 12% कितना होता है, 3,01,200। सो टोटल हो गया 2,54,01,200। नहीं समझ रहे ना, कंफ्यूज कि समझ रहे सब, एकदम इजी है ना। 2,54,01,200। नाउ जस्ट ऑब्जर्व, कुछ तो भी गलत किए ना, ये गलत किए, 2,51,00,000 का 12% 30 लाख होता है, 30 लाख 12,000। बोलो दैट्स इट, 30 लाख 12,000। तो कितना हो जाएगा, 2,81,12,000। अब कंपैरिजन का समय आ गया, इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू 4 लाख,
इंक्रीज इन टैक्स प्लस सरचार्ज इज इक्वल टू 13,62,000, इजंट इट? देयरफॉर देयर इज अ केस ऑफ मार्जिनल रिलीफ, रिलीफ दो सो दैट ज्यादा से ज्यादा टैक्स 4 लाख से ही बढ़े। तो रिलीफ कितना देंगे, मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन 1362 माइनस 4, इतने रुपए का मार्जिनल रिलीफ देंगे हम लोग, 9,62,000। सो आफ्टर मार्जिनल रिलीफ द सरचार्ज विल बी देयर बाय एडजस्टेड इनकम हो जाएगी, टैक्स हो जाएगा 2,71,50,000। आया क्या समझ में? इतना हो गया टैक्स। अब इसमें ऐड कर देंगे 4% सेस, ₹10,86,000। तो फाइनल हो गया 2,82,00,000 ना, 36,000। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों की कैलकुलेशन आप कर रहे हो। एक इनकम टैक्स का केस हुआ था, मैंने एक कॉन्फ्रेंस में सुना था एक सीए से कि वो घर पे रेड मारे थे उन्होंने, और वहां पर ऐसे करोड़ों की कैलकुलेशन वाली चिट्ठियां मिली थी। उन्होंने एसएससी को बोला था कि प्रूफ करो इसका, इसका सोर्स क्या प्रूफ करो। तो एसएससी ने बोला कि साहब ये ऐसे ही है, इसका कोई इनकम नहीं है, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ पैसा नहीं है उनको। पूरा उसके बेसिस पे उन्होंने उसके ऊपर में नोटिस वोटिस इश्यू कर दिया। बाद में पता चला कि उसके बच्चे के मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस थे। ठीक है, वैसे ये आपके जो कैलकुलेशंस है इसको एक नोटबुक में अच्छे से लिखना और ऊपर लिख देना इनकम टैक्स फॉर सी इंटरमीजिएट, ठीक है, स्टडी नोट्स ऐसा लिख देना। नहीं तो क्या आपके घर में फालतू बहुत बड़ी टैक्स की नोटिस आ जाएगी 2,82,00,000, कितने में तो आपका पूरा जिंदगी निकल जाएगी आराम से, है ना, 2,82,36,000 इतना टैक्स है। अब ये बात में कितनी सच्चाई है वो नहीं पता, लेकिन एक सीए के कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना था। बोलो जम गया क्या? नाउ ऑन सेम लॉजिक कैन यू पीपल ट्राई दिस, ये 5 केसेस कौन से वाले है? ये फॉरेन कंपनी के, फॉरेन कंपनी में रेट है 40%, सरचार्ज की रेट है 2% एंड 5%। लॉजिक वही है, 10% 1 करोड़ की इनकम तक नो सरचार्ज, 1 करोड़ से 10 करोड़ 2% और 10 करोड़ के ऊपर 5%। करोगे ट्राई? तो ये आपका आज का असाइनमेंट रहेगा, कैलकुलेट दी ये टैक्सेस फॉर फॉरेन कंपनी, ये 5 केसेस। बोलोगे तो मैं एकाधा करके दूंगा, लेकिन अभी जो हमने डोमेस्टिक के लिए किया सेम तरीके से ही करना है, बस रेट चेंज हो जाएगा। और मार्जिनल रिलीफ के लिए आपको उसके नियरेस्ट थ्रेशोल्ड के साथ चेक कर लेना है। करोगे ट्राई? और कुछ भी डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में लूंगा मैं, आज क्लास खत्म नहीं हुई है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर वाला क्या, वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने 2014-15 में अनाउंस किए थे कि हम रिलीफ देंगे छोटी कंपनीज को। तो 2014-15 की जो छोटी कंपनीज है, बेटा बातें मत करो ना, उसका डाउट सॉल्व करो, 2014-15 की जो छोटी कंपनीज है उसको रिलीफ कब से देना शुरू किए? 2016-17 से। तो उन्होंने क्या कहा कि आज उनको कम रेट लगेगा जिनका 2 साल पहले टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं था, समझ रहे? तो जो 2 साल पहले से बड़ी कंपनी है उसको आज हम लोग रेट ज्यादा लगा देंगे। ओके, उसको अगर 2 साल हो गए, जनरली तो कंपनी का टर्नओवर ग्रो होते रहता है ना, तो जो 2 साल पहले भी 400 करोड़ से कम थी उसको आज भी कम रेट लगेगा, ऐसा ये लॉजिक है। और फॉरेन कंपनी में ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं है, फॉरेन कंपनी में सभी के लिए आपको लगाना है फ्लैट 40%। तो ये ट्राई करना है। अब आज आप लोगों के लिए कैप्स लर्निंग ऐप में वो टीम अपडेट हो जाएगी, उसमें जो नए स्टूडेंट्स है वो भी ऐड हो जाएंगे, एंड वहां पर आप लोग को जाना है और असाइनमेंट का सेक्शन ढूंढना है। ओके, आप लोग वीडियोस का बैकअप देखते हो ना, उसी में अब जो स्पेशली नए स्टूडेंट है कैप्स में ऑल टुगेदर, तो उनको वहां पर असाइनमेंट का सेक्शन ढूंढना है, और उसमें आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मैं आज का असाइनमेंट का टैब दे दूंगा, उसमें आपको अपलोड करना है। कल कर पाए थे आप में से कौन कौन ने वहां पर कल अपलोड किया, हाथ उठाओ एक बार। यस, तो आप लोगों को तो जम ही गया है, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को आज ट्राई कर लेना है। और इनकेस आपने ढूंढा और आपको नहीं मिला तो परेशान मत होना, आज के आज अगर बात कर लोगे शाम तक तो सचिन सर अवेलेबल है, कल भी अवेलेबल है, कल क्लासेस बंद है लेकिन ऑफिस शुरू है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, लेकिन इवेंचुअली आपको वो ऐप में आपको अलाइन होना है,
क्योंकि ऐप के थ्रू आपकी बहुत सारी चीजें होने वाली है। ठीक है, सो यहां तक के समझ गया आपको। अब ये हम लोग कर लेंगे, ये जो दो क्वेश्चन है ये भी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग को मंडे की क्लास के लिए कुछ रखना पड़ेगा रिवीजन के लिए जो हमने पिछले हफ्ते में पढ़े। अभी हम लोग करते हैं अबाउट इनकम। इस चैप्टर में हमको तीन ही चीजें पढ़ना था, एक चीज थी अबाउट इनकम, दूसरी चीज थी जो हमने अभी कंप्लीट किया ऑलमोस्ट टैक्स कैलकुलेशन, और तीसरी चीज है एग्रीकल्चरल इनकम। पहले इनकम के बारे में अब बात कर लेते हैं, टैक्स कैलकुलेशन तो हो गया और फिर एग्रीकल्चरल इनकम। मैं आपको एक सरचार्ज वाला भी एक चार्ट भेज दूंगा, ये देखो ये चार्ट है, इसमें किस लेवल के बाद किसका सरचार्ज का रेट क्या होता है वो लिखा हुआ है। ओके, तो ये भी आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा। अभी हम लोग सीधा बात करते हैं इनकम की। आपके बुक में आप देखो, मेन बात तो अपने को पता रहना ही चाहिए कि जब हम लोग इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो देर शुड बी इनकम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनकम टैक्स टू बी लिविड। लिविड मतलब चार्ज, लिवी मतलब चार्ज होता है। ओके, अब इनकम टैक्स लिवी करने के लिए इनकम होना चाहिए। अब इनकम की डेफिनेशन दी है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 224 में, और वो बहुत बड़ी डेफिनेशन है। आप देख सकते हो पेज नंबर 1.6 पे ये डेफिनेशन है, ये दिख रही क्या अभी तक? आपको एक एक दो दो पैराग्राफ की डेफिनेशन की आदत होगी। दिस इज द होल डेफिनेशन, इनकम इंक्लूड्स, अगले पेज में भी चल रही है यहां तक के। ओके, देर आर दीज मेनी आइटम्स, और उसके अंदर में भी ए भी बहुत है, मतलब ये 20 से भी ज्यादा आइटम्स है। इनकम इंक्लूड्स, अब ये तो लीगल डेफिनेशन हो गई, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर सपोज टू क्लैरिफाई एग्जैक्टली वॉट इनकम मीन्स, तुमने वो तो नहीं बताया, बस ये बताते कि इनकम में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब हम ढूंढते बैठो कि हमारा जो है वो उसमें है या जनरल मीनिंग में बैठता है, क्योंकि जब मैं इंक्लूड्स बोलता हूँ तो उसमें इंक्लूड्स में जनरल मीनिंग वाले आइटम एक्सक्लूड नहीं हो जाते। जैसे अगर मैं मान लो मेरे स्टूडेंट्स को पार्टी दे रहा हूँ और मैंने बोल दिया, ऐसी एग्जाम्पल है, तो मैंने बोल दिया कि आई विल गिव पार्टी टू ऑल माई स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स ऑफ 2021 एंड 2020, तो उसमें आप लोग एक्सक्लूड हो गए क्या? नहीं, ऑल माई स्टूडेंट्स में तो आप आ ही गए हो, बिकॉज आप तो मीनिंग में ही थे ना, यू आर माई स्टूडेंट, बट मैंने क्लैरिफाई कर दिया इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स ऑफ 2021, तो उनको अगर डाउट होगा हम है कि नहीं है तो हम भी है, एंड 2020 हम भी है। समझ में आ रहे? सो जब कई बार कोई टर्म को डिफाइन किया जाता है तो उसको मीनिंग के साथ डिफाइन किया जाता है, सबसे बेस्ट होता है। अगर मीनिंग भी बता दिया तो दैट इज बेस्ट, कि भाई ये चीज का ये मीनिंग है, तो हम लोग फिर मीनिंग के हिसाब से देखते बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लॉ है वो उतने क्लैरिटी के साथ में नहीं बनाए गए हैं, और इतने साल बाद भी उसको ठीक ठाक नहीं किया गया। अब हम लोग इनकम की मीनिंग पे डिपेंड करते हैं एक कोर्ट के जजमेंट पे, वो भी दूसरे देश के कोर्ट के जजमेंट पे। ये देखो यहां पर आपको एक दिख रहा है, अब नहीं ये इंडिया का ही कोर्ट है, लेकिन 1932 का, जब इंडिया वॉज अंडर फॉरेन रूल, तो 1932 का एक जजमेंट है, प्रिवी काउंसिल इन सीआईटी वर्सेस शॉ वेलेस एंड कंपनी। तो इन्होंने एक डिसीजन दिया था कि इनकम कनोट्स, इनकम बताती है एक पीरियोडिकल मॉनिटरी रिटर्न, एक हमको टाइम टू टाइम मॉनिटरी, जिसको मनी टर्म से मेजर कर सकते हैं, कमिंग इन इनकम। कोर्ट ने बताया सब कमिंग विथ सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी और एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी फ्रॉम डेफिनेट सोर्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, देयर शुड बी अ सर्टेन सोर्स ऑफ इनकम। अब अगर आपको, आप रास्ते पे चल रहे थे और आपको एक 2,000 की नोट मिल गई, आपने वो उठा के जेब में रख लिया, तो वो इनकम पे आपको टैक्स नहीं लग सकता, बट आपको प्रूफ करते आना चाहिए कि हमको रास्ते पे पड़ी मिली थी। इसको बोलते विंडफॉल गेन्स, हवा चली और पत्ते गिरे और ये पैसे भी गिरे और हमने उठा लिया, विंडफॉल गेन्स बोलते हैं इसको, जिसका कोई सोर्स नहीं होता है। ओके, तो विंडफॉल गेन्स आर नॉर्मली नॉट टैक्सेबल, बट इनकम के डेफिनेशन में वो नॉर्मली नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि कोई स्पेसिफिक सोर्स से नहीं आते। आप मेहनत करके सीए बन के अपने क्लाइंट्स को सर्विस देके पैसा कमा रहे हो, सोर्स है उसका। आप कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमा रहे हो, सोर्स है। आप कोई एसेट को रेंट पे देके पैसा कमा रहे हो, सोर्स है। हर चीज का सोर्स है, लेकिन जिसका सोर्स ही नहीं है वो इनकम ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी तो कोई चीज होती नहीं है, और आप प्रूव नहीं कर पाओगे, बिकॉज द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी अपॉन यू, कि बताओ कि इनकम नहीं है।
क्योंकि आपके तो अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उतना पैसा, आपके तो खाते में आया है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि सर इसका तो कोई सोर्स ही नहीं, पता नहीं गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट में डाल दिया, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इनकम शुड कम फ्रॉम डेफिनेट सोर्स। अब उसमें भी उन्होंने फर्दर इनकम की डेफिनेशन इसलिए लाया क्योंकि उसमें वो लोग बहुत सारे स्पेसिफिक आइटम को इंक्लूड करना चाहते थे जो अदरवाइज इनकम के मीनिंग में शायद ना बैठे, जैसे कि लॉटरी इनकम, गेम शो इनकम। अब वो तो कोई पीरियोडिकल सर्टेनिटी के साथ में नहीं आती है, जो पीरियोडिकल मंथली मॉनिटरी रिटर्न लिखा है। लॉटरी क्या हर 2 महीने में एक बार अपने को लॉटरी लगती रहती है क्या? नहीं। सो उन्होंने बोल दिया कि भाई वो जरूरी नहीं है। हमने बोल दिया कि लॉटरी इनकम है तो है, ये जितने 20-25 पॉइंट्स है दीज आर ऑल पॉइंट्स ऑफ डीम्ड इनकम। मान लो कि इनकम है, नाउ वंस समथिंग इज डीम्ड टू बी समथिंग देन देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। ओके ओके, मान लिया कि इनकम है तो फिर ये इनकम है, फिर आप ये नहीं बोल सकते लेकिन सर ये तो मीनिंग वाले पार्ट में नहीं बैठ रही है। तो वो दिख रहे हैं वो चांद, मान लेते उसको चांद है, बस आज के बाद से वो चांद, वैसा वैसा इनकम टैक्स का चलता है। मान लो कि वो चांद है, मान लो कि वो इनकम है, मान लो कि वो रेसिडेंट है, मान लो कि ये इनकम टैक्सेबल है, जो भी मान लिया वो मान लिया, खत्म बात। उसके बाद में डिमिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्टली लगता है, जैसे मैंने आपको वोडाफोन वाला केस बताया था शायद पहले या पहले दिन बताया था वोडाफोन वाला केस, कि उन्होंने मान लिया कि जो कंपनी की शेयर्स फॉरेन में है, फॉरेन कंपनी है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इंडियन एसेट से वैल्यू डिराइव कर रहे हैं। उन्होंने एक्ट में मान लिया कि वो कंपनी के शेयर्स इंडिया में लोकेटेड है, डीम्ड टू बी लोकेटेड इन इंडिया, डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, ऐसा मान लिया। उसके बाद से इंडिया में टैक्स का स्कोप आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ऐसा पूरा उसका लॉजिक है। अब इनकम के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, इट हैज बीन लिंक्ड पिक्टोरियली टू द फ्रूट ऑफ अ ट्री और क्रॉप ऑफ अ फील्ड। अब देखो आपको ट्री मिल गया वो इनकम नहीं होती है, लेकिन ट्री का फ्रूट मिल गया वो इनकम है। ट्री तो सोर्स है ना, ट्री क्या है, इट इज द सोर्स ऑफ इनकम, उससे जो फ्रूट मिलते जा रहा है वो इनकम है। कि आपके पास में मशीन है, मशीन इज द सोर्स, मशीन से प्रोडक्शन करोगे उसको बेचोगे दैट इज गोइंग टू गिव यू द इनकम। बट दैट डज नॉट मीन कि मशीन को ही बेच दिया तो इनकम नहीं होगी, मशीन को ही बेच दिया तो दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल रिसीट। उसको किस टाइप का रिसीट कहते हैं? कैपिटल रिसीट। एंड उन्होंने कैपिटल रिसीट्स को भी पूरी तरह नहीं छोड़ा, उन्होंने यहां पर बोल दिया कि कैपिटल गेन्स भी टैक्सेबल रहेंगे। और वो कैपिटल गेन्स कैसे हैं? तो इट इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अंडर सेक्शन 45। जो कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पर गेन होता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल रिसीट्स भी हमेशा एग्जेम्प्ट ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको पैसा मिला तो वो इनकम है ऐसा भी नहीं है। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया तो वो लोन अमाउंट पे आपको इनकम टैक्स थोड़ी ना भरना पड़ता है, वो तो आपकी इनकम है ही नहीं, वो तो लाइबिलिटी है। लेकिन इनकम के बारे में आपको बहुत स्पेसिफिक बातें समझना होगा और फिर हम लोग जब हेडवाइज पढ़ाई करेंगे तब और क्लैरिटी आते जाएंगे। सो देर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इनकम व्हेन वी डिस्कस अबाउट इट। सो देर मस्ट बी रिसीट्स, मतलब कि पैसा मिलना चाहिए। नाउ लिखा है इनकम कैन बी रिसीव्ड इन कैश और इवन इन काइंड। ओके, आप ये बोल के बच नहीं सकते, जैसे कि मान लो कि कोई डॉक्टर को पेशेंट ने एक फीस भरने की बजाय एक सोने की अंगूठी दे दिया, ओके साहब मेरे पास तो इतना ही है, और डॉक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया अपने सर्विसेज के बदले में, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनकम फॉर द डॉक्टर। डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि कैश में पैसा नहीं मिला या मॉनिटरी टर्म्स में नहीं मिला तो वो इनकम नहीं है। इनकम कैन बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो लोग तो बार्टर सिस्टम शुरू कर देंगे, है ना, हम लोग बोलेंगे कि आप लोग फीस पैसा छोड़ के और कोई भी मोड से दो, है कि नहीं, ताकि हमको इनकम टैक्स ना लगे कैप्स में। बट ऐसा नहीं चलता है, ओके, कोई भी मोड से इनकम हो रहा है। आपने लॉ में पढ़ा होगा ना कंसिडरेशन में भी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड, बस वही लॉजिक है यहां पर भी। देन इनकम इज असेस्ड एनुअली, हमारी जो इनकम है उसको एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया एक साल होता है प्रीवियस ईयर जिसमें इनकम अर्न होती है, एंड दूसरा साल होता है असेसमेंट ईयर जिसमें इनकम असेस होती है, कंप्यूट होती है। वही असेसमेंट ईयर में और इनकम अर्न हो रही है उसका असेसमेंट ईयर अगला रहेगा। द सेम ईयर कैन एक्ट एज अ प्रीवियस ईयर एंड ऑल्सो एज असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ओके, मोर अबाउट दैट लेटर ऑन, बट इनकम एनुअली कैलकुलेट होती है, ये आपको समझना है। तो मंथली बेसिस पे टेंशन नहीं लेने का है। हाँ,
वो बात अलग है कि टैक्स का पेमेंट जो है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट सेशन में, कि वो एडवांस टैक्स के रूप में हमको हर 3 महीने में एक बार भरना पड़ता है ड्यूरिंग द ईयर इटसेल्फ। ओके, वो अलग है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड इनकम। देन ये जो रिसीट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, दिस रिसीट्स में भी कैपिटल रिसीट्स और दिस में भी रेवेन्यू रिसीट्स। अब अकाउंट्स में आप थोड़ा बहुत ही शायद टर्म समझ चुके होंगे, पढ़े होंगे। कैपिटल रिसीट्स आर रिसीट्स अर्न फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम इटसेल्फ। मतलब कि मशीन को ही बेच दिया, कोई कैपिटल एसेट को ही बेच दिया, पैसा मिला, दैट इज अ कैपिटल रिसीट। या कोई लोन मिली, दैट इज अ कैपिटल रिसीट। अब कैपिटल रिसीट के बारे में क्या बोलूं मैं, कैपिटल रिसीट्स आर नॉर्मली नॉट टैक्सेबल। कैपिटल रिसीट्स आर नॉर्मली नॉट टैक्सेबल अनलेस दे आर स्पेसिफाइड। ओके, नॉर्मली नॉट टैक्सेबल, ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, अनलेस स्पेसिफाइड। तो जैसे कैपिटल गेन स्पेसिफाई किया है इसलिए टैक्सेबल है, बट कुछ कुछ, जैसे मैं अगर मेरा कोई पर्सनल एसेट, से ये मोबाइल फोन मेरा पर्सनल एसेट है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं इसको बेचता हूं और मान लो प्रॉफिट में बेचता हूं, तो भी मुझे उसके गेन्स पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि पर्सनल एसेट है। या मेरी कोई पर्सनल कार है जिसको मैं बिजनेस में नहीं दिखा रहा हूं, ना बिजनेस में उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं, तो पर्सनल कार को बेचकर जो मुझे गेन हुआ वो कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं रहेगा। या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो रहती है ना, उसको कैपिटल एसेट ही नहीं मानते हैं। उसको क्या नहीं मानते, कैपिटल एसेट नहीं मानते। तो उसके बेचने पर जो भी गेन होता है वो कैपिटल गेन तो है बट वो टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज इट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड टू बी टैक्सेबल। टेक्निकली वो कैपिटल गेन ही नहीं है क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं मानते हैं। समझ रहे? देन दूसरे टाइप के रिसीट्स होते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है, आप लोग अकाउंट्स में अगेन पढ़ चुके हो, जो आइटम को हम लोग पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स आर इनकम्स, ओके, सच एज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विसेज और डिस्काउंट रिसीव्ड और बैड डेट्स रिकवर्ड, उस टाइप की इनकम जो रहती है जो पीएनएल की क्रेडिट साइड में आती है फाइनल अकाउंट में, दोज आर द रेवेन्यू रिसीट्स। अब हाँ, हर कोई पीएनएल बनाएगा जरूरी नहीं है। एक सैलरीड एम्प्लॉय क्या करेगा, पीएनएल नहीं बनाएगा ना, उसका बिजनेस थोड़ी ना है, तो वो उसके जो भी सैलरी इनकम है और जो भी मंथली एंड ईयरली रेगुलर इनकम है वो उसकी रेवेन्यू रिसीट्स में आती है। समझ में आ रहे? सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड। लेकिन सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए कुछ कैपिटल रिसीट्स भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उसने इतना खराब काम किया या कुछ फ्रॉड वॉड कर दिया बिजनेस में कि, और एम्प्लॉयर ने बोला कि जॉब छोड़ने के लिए कितना पैसा लोगे, और उसको 2 लाख रुपए दिया और बोला कि आज से तुम कल से तुम जॉब पे मत आना, तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेशन कंपनसेशन या बोनस। बोनस नहीं बोलना चाहिए, टर्मिनेशन कंपनसेशन बोल सकते हैं। तो दैट इज अ कैपिटल रिसीट क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम के बदले में पैसा मिल गया, बट नॉर्मली नॉट टैक्सेबल, बट उसको स्पेसिफाई किया है। दिस टाइप ऑफ टर्मिनेशन कंपनसेशन इज टैक्सेबल स्पेसिफिकली अंडर इनकम टैक्स। तो इसको थंब रूल्स नहीं बनाना है। अब रेवेन्यू रिसीट्स आर नॉर्मली टैक्सेबल। रेवेन्यू रिसीट जो है उसका क्या होगा बेटा, नॉर्मली टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। अब इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ कुछ जो रेवेन्यू रिसीट्स रहते हैं उसमें स्पेसिफिक एग्जेम्पशन दिया रहता है, जनरली बाय वे ऑफ सेक्शन 10। जैसे मैंने आपको कल बताया था स्कॉलरशिप मिलती है तो वह एग्जेम्प्ट होती है। स्कॉलरशिप में भी रेवेन्यू रिसीट बट इट विल बी एग्जेम्प्ट, अलग से लिखा है। सिक्किम इज इंडिविजुअल की जो इनकम होती है बताया था, ऐसे और भी है ना। पेंशन नॉर्मली टैक्सेबल होती है, कल आपने पूछा था, लेकिन जो हमारे परमवीर चक्र अवार्डी या जो महावीर चक्र अवार्डी, जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स रहते हैं ना, देश के शूरवीर, उनके फैमिली को जो पेंशन मिलती है वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट की गई है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी देश के लिए इतना कर दिया है, जान दे दी, उससे ज्यादा क्या उनसे और टैक्स लोगे, तो उनके टैक्स को, इनके पेंशन पे, फैमिली को जो पेंशन मिलती है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो ऐसी कुछ चीजें रहती है जो आपको आगे आएगी। ये जो सभी मैं फीचर्स आपको बताऊंगा इसका आगे डेप्थ में हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी करने वाले। तो रिसीट्स रहती है, ऑल रिसीट्स आर नॉट इनकम एंड ऑल इनकम्स मे नॉट बी रेवेन्यू रिसीट्स, सम इनकम्स मे बी ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। समझ रहे? देन एनुअली कैलकुलेट करते हैं कैश और काइंड। नेक्स्ट है ग्रॉस इनकम वर्सेज नेट इनकम। अब
कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर अगर 1 करोड़ रुपीस जा रहा है तो 1 करोड़ रुपए टैक्स नहीं लग जाएगा? टैक्स कितने पे लगेगा? प्रॉफिट पे। जो हम लोग टोटल इनकम वर्ड यूज कर रहे हैं वो टोटल टैक्सेबल इनकम है। सो इट इज इनकम आफ्टर आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल अलाउेबल एक्सपेंसेस, इसको हम लोग बोलते हैं नेट इनकम। अकाउंट्स में हम इसको प्रॉफिट बोलते हैं। अब इनकम टैक्स का प्रॉफिट और अकाउंटेंसी का प्रॉफिट अलग अलग हो सकता है। इनकम टैक्स में कुछ आइटम अलाउड रहेगा डिडक्शन के रूप में, अकाउंट्स में नहीं, एंड वाइस वर्सा। डिप्रिसिएशन का रेट भी अलग अलग रह सकता है, इनकम टैक्स का रेट अलग रहता है, कंपनीज एक्ट का अलग चलता है। तो देर विल बी डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग नेट इनकम एंड टैक्सेबल नेट इनकम, देर विल बी। ओके, जैसे एक सैलरीड एम्प्लॉय को ना 50,000 रुपए का एक फ्लैट डिडक्शन अलाउड रहता है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड रहता है। तो अगर आपकी सैलरी साल भर की 6 लाख है तो आपको 6 लाख में से 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है, तो आपकी टैक्सेबल सैलरी हो गई सिर्फ 5,50,000। अच्छी बात है। तो ऐसे इनकम टैक्स में कुछ खास खास डिडक्शन वगैरह मिलते हैं, उसके बाद नेट इनकम आती है। ओके, देन इनकम, ये देखो रेवेन्यू और कैपिटल का यहां पर लिखा ही है। जो सेल ऑफ फ्रूट से इनकम होती है दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्सेबल अनलेस एग्जेम्प्टेड, और जो सेल ऑफ ट्री से इनकम होती है नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफाइड। ठीक है, देन इनकम कैन बी अर्न फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। अब एक पर्सन मान लो अपने प्रोफेशन से भी इनकम कमा सकता है, शेयर से भी इनकम कमा सकता है, प्रॉपर्टी से भी इनकम कमा सकता है, उसको कोई उसके जो ये रहते हैं पूर्वज वो भी कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के जा सकते हैं उसके फेवर में। देर कैन बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, इनफैक्ट देर शुड बी। ओके, अगर आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है तो यू शुड नॉट डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम लेटर ऑन इन योर करियर। ओके, एक आपका मेन काम रहेगा लेकिन उसके साथ साथ आपने और रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है वो जनरेट करना है धीरे धीरे करके। सो वो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। एंड देन देर आर दीज मैनी डिफरेंट फीचर्स ऑफ इनकम जो हम लोगों को एक एक करके डिस्कस करना है। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता रहा हूं इसके बारे में, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। देखो, दिस इज अबाउट गिफ्ट। पहला पॉइंट क्या है? गिफ्ट। गिफ्ट के बारे में पहले बताया आपको मैंने, कितने रुपए के ऊपर का ही गिफ्ट टैक्सेबल होता है? 50,000। हम लोग एग्रीगेट देखते हैं, ठीक है, साल भर का टोटल देखते हैं। अगर मुझे तीन दोस्तों ने 20,000 का गिफ्ट दिया, तीन अलग अलग दोस्तों ने, तो भी टोटल करेंगे, मुझे साल भर में 60,000 का गिफ्ट मिल गया, कितना टैक्सेबल रहेगा मेरे हाथ में? पूरा 60,000। ठीक है, बिकॉज इट इज मोर देन 50, तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल रहेगा। लेकिन अगर गिफ्ट का अमाउंट 49,000 पे आके रुक गया तो फिर मेरे हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं रहेगा। उस पर वो भी बताया आपको मैंने। सी, वैसे तो गिफ्ट कैपिटल रिसीट होते हैं, वैसे तो नॉट टैक्सेबल, बट स्पेसिफाई किया ना इसलिए टैक्सेबल हो रहे हैं। रिलेटिव से मिला नॉट टैक्सेबल, देन अगर मैरिज के ओकेजन पे मिला नॉट टैक्सेबल, एंड देन और भी उसके एक्सेप्शन है। वी विल स्टडी दिस इन चैप्टर नंबर 8, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देन कुछ इनकम टैक्सेबल रहती है, कुछ इनकम एग्जेम्प्ट रहती है, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जेम्प्ट इनकम्स अलग से, लीगल वर्सेस इलीगल इनकम, ये आज का लास्ट पॉइंट। आप मुझे बताइए कि क्या इलीगल इनकम टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इलीगल इनकम होना चाहिए और लीगल इनकम वो भी होना चाहिए। इलीगल इनकम पे टैक्स लगता है? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बताते नहीं है, लेकिन पकड़े गए तो फिर तो लगेगा ना, है ना। अगर आप किडनैपिंग करके पैसा कमा रहे हो तो किडनैपिंग का जो पैसा है, स्मगलिंग करके पैसा कमा रहे हो, तो उस पे जो दूसरे लॉ में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तो होंगे, ऊपर से जो टैक्स लगना है वो भी लगेगा। जीएसटी में भी हम लोग ने देखा था कि वेदर द पर्पस इज लीगल और इलीगल डज नॉट मैटर। आपने किसी और को कोई सर्विस दिया, कोई भी सर्विस, डूइंग एनीथिंग फॉर द अदर पर्सन, सर्विस हो गई, उस पर जीएसटी भी लगता है और उस पर इनकम टैक्स भी लगता है। ओके, वो बात अलग है, उसका एनफोर्समेंट बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उससे बच नहीं सकते हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट पे हम लोग अभी रुकते हैं, डिस्प्यूट शुरू नहीं करना है हमको, डिस्प्यूट वाले पॉइंट अगले हफ्ते। चलिए, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक। कल हमारी वीकली